वो खुद को अपने आप को स्थिर रहने में बेचैनी महसूस करता है, जबकि दूसरों को एकदम ठीक सजेशन देता है। और सबसे योग जो है, और एक साइकोलॉजी में भी है योगा साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट को कंट्रोल करने के लिए समझिए कि योग ही महत्वपूर्ण है। जो दूसरे को कंट्रोल कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए योग की जरूरत पड़ती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि अन्य लोग भी योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें, जिसके कारण वे आगे भविष्य में सकारात्मक सोच विकसित होगा। धन्यवाद।